20 एमएम की हो, 40 की हो, 50 की हो, 60 की हो, 80 की हो, 100% निकालेंगे। अगर नहीं पथरी निकलेगी तो हम पैसे वापस देंगे मरीज के। बहुत बढ़िया। मैं सचिन भाई के पास दूसरी बार आई हूँ। मेरी जाड़ एक जाड़ में दर्द था पहले, अब वो बिल्कुल ठीक है। मैं दूसरी बार आई हूँ, मेरे अब भी आराम, 5-10 मिनट में आराम हो जाता है। लगभग गांव का देसी छोरा वायरल हो गया सोशल मीडिया के ऊपर। आयुर्वेदिक तरीके से प्रत्येक बीमारी का देसी इलाज करता है सचिन वैद्य। इस वक्त सापला का जो गिज्जी रोड दिखा दे भाई, घुमा के एक बार है भाई। वैद्य सचिन सोशल मीडिया पे इतना वायरल हो रहा है कि इससे पहली वीडियो भी आपने कम से कम 50 लाख व्यक्तियों तक पहुँचाई थी। 50 लाख व्यू इससे पहले वीडियो के ऊपर आए थे। तो भाई आपके दोबारा से फोन आया, किया जब आई एक बार सचिन वैद्य से बातचीत करो, दोबारा से एक बार बताओ कि किन किन बीमारियों का देसी इलाज करते हो और क्या प्रक्रिया रहती है। सचिन भाई सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में स्वागत आपका। राम राम भाई जी। राम राम भाई। और कैसे है सचिन भाई? बहुत बढ़िया भाई जी। अच्छा भाई जी, इससे पहले की जो वीडियो थी सोशल मीडिया पर कमेंट आए थे मेरे दो रहे कि अजय भाई खुल कर बताओ एक बार भाई किन किन बीमारियों का इलाज होता है यहाँ पर। भाई अपने अड़काला पीड़िया मोती जारा जी, लेडीज प्रॉब्लम, कोई भी लेडीज प्रॉब्लम हो चाहे लेडीज की बच्चादानी पे गांठ हो जी, रसोली हो ठीक है, छाती में कोई गांठ हो, सतन पे कोई गांठ हो जी ठीक है, घुटनों का दर्द हो, डिस्क प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल हो, सर्वाइकल का बिल्कुल हमारा गंडे द्वारा फ्री इलाज है ठीक है। पथरी का बहुत अच्छा इलाज है हमारा। यानी कि सर्वाइकल का जो इलाज करते उसका कोई पैसा नहीं लेते? नहीं, कोई पैसा नहीं लेते। और पथरी का हमारा 100% रिजल्ट है। कितने भी पड़ी पथरी हो, 20 एमएम की हो, 40 की हो, 50 की हो, 60 की हो, 80 की हो, 100% निकालेंगे। अगर नहीं पथरी निकलेगी, अगर पथरी नहीं निकलेगी, खोल दो एक बार, हाँ, तो हम पैसे वापस देंगे मरीज के। बहुत बड़ी बात है भाई, पथरी यदि मरीज की नहीं निकली तो उसको पैसा वापस मिलेगा। सचिन भाई बहुत बड़ी बात कह रहे कि आप पथरी नहीं निकले तो पैसा वापस दे दोगे? बिल्कुल, पहले ऐसे डॉक्टर हैं आप? पहली बात तो जी पथरी रहेगी नहीं उसको मरीज को जी, ऐसी नौबत नहीं आती। आपने पिछली बार हमारी वीडियो बनाई थी, ऐसा कोई केस नहीं मिला अभी तक हमें जिसकी पथरी नहीं रही हो। तो मैक्सिमम कितने एमएम की निकाली अब की बार आपने? मैंने पिछली बार 81 एमएम की निकाली थी, अब की बार मैंने 67 एमएम की आई लिस्ट निकाली है। 67 एमएम की आई लिस्ट निकाली आपने? बिल्कुल। पथरी कहीं भी हो 100% उसका रिजल्ट रहेगा। गठियाबा का हमारा सफल इलाज है, हजारों पेशेंट हमारी दवाई से ठीक हुए हैं जिनको दवाई छोड़े कई कई साल हो चुके हैं जी। गठियाबा का हमारा बिल्कुल सफल इलाज है। सचिन भाई ये क्या रखा है, ये जड़ी बूटियां हैं, ये क्या रखा है? ये सभी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, हम इन्हीं को देते हैं। मरीज चाहे तो हमारे से साबित जड़ी बूटियां ले सकता है, अपने घर पे जाके दवाई बना सकता है ठीक है। हमारी दवाई में कोई अलग पहले ठीक की मिलावट नहीं मिलेगी आप लोगों को। सबसे पहले हमारा आयुर्वेद का ही काम है, हमारा आयुर्वेद से ही दवाई देते हैं ठीक है। और आयुर्वेदिक दवाई धीरे धीरे चलती है लेकिन बीमारी को बिल्कुल जड़ से निकालती है। ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो यो आयुर्वेद से ठीक नहीं हुई हो। सिर का दर्द कहीं नहीं जा रहा, कितना भी पुराना हो, 3 मंथ के अंदर हमारा बिल्कुल सक्सेस रिजल्ट रहेगा इसमें, सिर के दर्द में। 1 मंथ में जब अच्छा रिजल्ट आ जाएगा तो दवाई आगे चलाते रहो, बिल्कुल 100% रिजल्ट रहेगा इसका हमारा। और जाड़ के दर्द का हमारा बिल्कुल फ्री इलाज है, कोई पैसे नहीं लेते हम जाड़ के दर्द। सर्वाइकल और जो जाड़ का दर्द है इसका बिल्कुल फ्री इलाज है। हाँ, और एलर्जी की हमारी खाज खुजली कैसे भी हो, एक्जिमा पामा, ये हमारी बिल्कुल 100% रिजल्ट के साथ है। कितने भी पुरानी हो, अब की बार आपने वीडियो बनाई, मरीज मेरे पास आई, मैंने 20 साल पुरानी आई लिस्ट एलर्जी काटी है। जो एलर्जी बार बार हो जाती हो, गोली दवाइयों से नहीं जाती हो, इस दवाई से बिल्कुल सक्सेस रिजल्ट रहेगा भाई। ये हमारी लिक्विड दवाई है, बिल्कुल आयुर्वेदिक दवाई है। कितनी पुरानी खाज खुजली हो? कितनी भी पुरानी खाज खुजली हो, मैक्सिमम कितनी पुरानी खाज खुजली हो आपने ठीक किया सचिन भाई अभी तक? भाई मैंने तो 30 साल पुरानी की। 30 साल पुरानी को ठीक कर दिया? 30 साल पुरानी मैंने ठीक की जी। ये हमारी शुगर की लिक्विड दवा है, इसका भी हमारा अच्छा रिजल्ट है। जिस भी भाई की शुगर 500 से 400 से नीचे नहीं आ रही हो, हमारी इस दवाई का 1 मंथ के लिए प्रयोग करके देखे, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी ठीक है। और भाई वेट लॉस नहीं होता हो जिस भाई का, वेट लॉस की भी हमारी बिल्कुल अच्छी दवा है। आयुर्वेद का हल धीरे तोड़ती है, मंथ में 3-4 केजी तक तोड़ देती है लेकिन दोबारा से वेट नहीं। शरीर पर कोई साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं है? मोटापा कम करेंगे तो? आयुर्वेदिक दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और वेट भी बढ़ाती है हमारी दवाई। वेट बढ़ाने की पतला है तो उसको मोटा भी कर देती है? बिल्कुल, मोटे को पतला कर देती है? बिल्कुल कर देती है भाई जी, मोटा भी कर देती है लेकिन वो भी धीरे धीरे वजन बढ़ेगा, इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा एलोपैथिक दवाइयों की तरह। बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका भी हमारा। और भाई पाइल्स की समस्या हो, जो पाइल्स कहीं भी नहीं कटी हो, कितनी भी पुरानी हो, मच्छे हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, उसका भी बिल्कुल हमारा सफल रिजल्ट है। मच्छों वाली के 2 महीने लग जाते हैं, नॉर्मल जो नई पाइल्स होती 3 महीने से पहले ही होती है, उसको 1 मंथ के अंदर ही ठीक कर देते हैं भाई।
हाँ। अच्छा सचिन भाई, जो लाखों की संख्या में जो दर्शकों इतना दर्शक इतना सारा लाड प्यार देते हैं, हाँ। ये पूछना चाहते हैं क्या ऑनलाइन प्रक्रिया भी दवाई भेजने की? हाँ, ऑनलाइन प्रक्रिया है हमारी, लेकिन ऑनलाइन के लिए भाई पेमेंट पहले लेंगे। कई बार हमने दवाई भेजी, मरीज वहाँ पे दवाई को लेता नहीं, बोलता मैं उधर गया हूँ, रिटर्न हो जाती है, तो इस बात के लिए हम पेमेंट पहले लेंगे। क्या प्रोसीजर रहेगा? हमारा जो मोबाइल नंबर स्क्रीन पे आएगा, उस पे फोन पे या गूगल पे से पैसे पहले डालने पड़ेंगे, और हमारे को स्क्रीन शॉट उसी नंबर पर व्हाट्सएप पे भेजना होगा, और अपना एड्रेस, जो भी एड्रेस आएगा उस एड्रेस पे हम दवाई भेज देंगे, और दवाई का हमारा बिल्कुल सफल रिजल्ट रहेगा। कोई भी दवाई हम जिम्मेवारी लेंगे उसके। बिल्कुल ठीक है, तो भाई दिखा दीजिएगा साथ साथ में। सचिन वैद्य का कहना है कि भाई हम दवाई नहीं जड़ी बूटी देते हैं। भाई जड़ी बूटी के तौर पर खुद जो मरीज है वो वैद्य के तौर पर काम करता है, अपना इलाज करता है, ये बहुत बड़ी बात है। गारंटी के साथ है, शर्त के हिसाब से ही आप इलाज करते हैं, शर्तिया इलाज। देखो जी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दवाइयाँ खाते परहेज नहीं करते जी, तो हम तो जिम्मेवारी लेके भी इलाज कर सकते हैं, लेकिन हर आदमी गारंटी की लालसा कर लेगा, इसलिए आयुर्वेद कभी किसी को गारंटी नहीं, क्योंकि इसमें परहेज ज्यादा होते हैं, ठीक है। और एक हमारी लेडीज प्रॉब्लम की बहुत अच्छी दवाई है, जो सफेद पानी लिकोरिया, जो कभी भी कहीं भी नहीं जाता हो, हमारा 3 मंथ का कोर्स है, बिल्कुल सक्सेस रिजल्ट है उसका भाई, ठीक है। और भाई जिस भी औरत को बच्चादानी पे सोजन आती हो, ठीक है, और लेडीज प्रॉब्लम हो, कोई भी डेट वगैरह की कोई परेशानी हो, उसका भी सफल इलाज है हमारा। 1 मंथ के अंदर ही अच्छा रिजल्ट निकाल के देंगे, 3 मंथ के लिए दवाई चलाएंगे, उसका भी बिल्कुल अच्छा रिजल्ट है जी। और भाई जो आजकल बच्चे निराश हो जाते हैं शादी के बाद, उनकी भी बीमारी बहुत अच्छी दवाई है, उसका हमारा पुराने से पुरानी बीमारी का 3 बार का कोर्स है, लेकिन 1 मंथ में ही अच्छा रिजल्ट आ जाता है मरीज को, और नई समस्या के लिए तो 1 बार की दवाई काफ़ी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है। साथ साथ में कुछ बहन है, कुछ भाई है, ये इलाज करवाने के लिए यहाँ पर पहुंचे, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। बहन जी सबसे पहले तो राम राम। राम राम जी। ग्राउंड मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को, बिल्कुल पहले ही देखते हैं चैनल। हाँ, पहले ही देखते हैं जी। चलो बहन जी, क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पहुंचे हैं, क्या बीमारी? मैं सचिन भाई के पास दूसरी बार आई हूँ। मेरी जाड़, एक जाड़ में दर्द था पहले, अब वो बिल्कुल ठीक है। मैं दूसरी बार आई हूँ, मेरे अब भी आराम, 5-10 मिनट में आराम हो जाता है, और बिल्कुल फ्री इलाज। बिल्कुल सर, सही सही बताइयो, आपने देखकर लाखों मरीज यहाँ पहुँचे। नहीं जी, बिल्कुल सही है, कोई इसमें झूठ साच नहीं है, क्यों भाई, आओ अपना दर्द दिखाओ, तभी तो पता लगेगा ना, भी हम बोलेंगे, तो इसी वजह से आओ एक बार विजिट करो, आराम होगा जरूर 100%। चलो, क्या नाम आपका? मुकेश। मुकेश, चलो अंकल जी, राम राम जी। नमस्कार, कहाँ से आए यहाँ पर? हम तो जी यही थोड़ा नजदीक से, नजदीक ना, गांव का नाम भी तो होगा जी, अपना लोहारड़ी से आए। लोहारड़ी, क्या समस्या थी आपको, बताएंगे एक बार? हाँ, समस्या जी मेरे को थी, गैस की प्रॉब्लम थी। गैस की प्रॉब्लम थी, दवाई ली आपने? हाँ, दवाई ली जी। इलाज हुआ? हाँ, इलाज हुआ, अच्छा इलाज हुआ। अच्छा, सही सही बताइयो जी, आपने देखो और दर्शक भी आप ना जी। ना, बहुत अच्छा इलाज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम हुआ। साथ साथ में एक बहन और है भाई, बहन जी राम राम। राम राम। कहाँ से आए हैं आप जी? यहीं से, लैन पार से। अच्छा, लैन पार से, क्या क्या दिक्कत थी आपको? मेरा जी डिश में दिक्कत थी। कुछ आराम हुआ दवाई दूध लेकर? हाँ जी आराम। सच्ची सच्ची बताइयो। आराम जी। मरीज आया हमारे पास, इसकी डिश मैंने ठीक की है, ये बोझंग ऐसे इसने इलाज कराया, कहीं इसका इलाज नहीं हुआ था, अभी नहीं के बयान से आप सुनिए। बिल्कुल भाई, बातचीत भी कर लेते हैं भाई साहब से, इनको डिस्क की प्रॉब्लम थी भाई जी। सबसे पहले तो राम राम। राम राम। क्या नाम आपका, बताएंगे एक बार? रामचंद्र है जी। रामचंद्र जी, क्या समस्या थी आपको? हम जी प्रयागराज से हैं जी, हमको डिस्क की प्रॉब्लम थी, मैंने वहाँ पर कई डॉक्टर को, न्यूरोसर्जन को दिखाया जी, जो कि 4-5 लाख रुपए चार्ज करने के लिए बोल रहे थे कि आपका ऑपरेशन होगा। मैंने वैसे भी दवाइयाँ 1 लाख रुपए तक करवाया अपना इलाज, मगर वहाँ कोई रिस्पांस नहीं आया। मैंने इनकी भाई की वीडियो देख करके, ऐड देख करके मैंने इनसे संपर्क किया सचिन भाई से, तो बोले भाई मेरी गिज्जी रोड पे वर्कशॉप है, आप आ जाओ। फिर मैं अब यहाँ पर आ गया भाई सांपला, फिर यहाँ मेरा यार दोस्त रहता है, मैं उसके साथ 1 महीने रह करके अपना इलाज कराया, मुझको डिस्क के लिए बहुत अच्छा रिस्पांस है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। अब सच बोल रहे हैं, कोई मिलावट तो नहीं बातों में? कोई मिलावट नहीं जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल भाई, एक दो बुजुर्ग ताऊ हैं ये भी पहुंचे भाई साहब। राम राम। राम राम। ठीक ठाक है जी? ठीक ठाक। क्या समस्या थी आपको? नजला था जी। नजला, कुछ आराम रूम होया यहाँ की दवाई से? कौन होया ना आराम है जब दूसरा आए? अच्छा, दूसरा आए, कहाँ से आए हैं? आश्रण दे। आश्रण दे। कुछ आराम हो गया था दवाई लेने? आराम है। चलो बताओ जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं इसके साथ आया हूँ। साथ में आया? हाँ जी। आराम रूम हुआ? हाँ, बहुत आराम बता रहे हैं। चलो भाई, हमारा दमे का सांस का बहुत अच्छा रिजल्ट है जी, जो दमा सांस बिल्कुल नहीं जा रहे, वो लोग बोलते हैं दमा दम के साथ जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हमारी बहुत ही अच्छी दवाई है ये दवाई है हमारी दमे की, बहुत अच्छी दवाई है।
पहले महीने के अंदर ही 80-100% रिजल्ट निकाल देती है। दो बार की दवाई देता हूँ, दमा और सांस बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाता है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे मरीजों ने इसका लाभ उठाया है। बड़े बड़े ताऊ, बड़े बड़े जो परेशान हो रहे थे दमे से, मैंने वे रोग ठीक किए हैं। कोई भी भाई दमे से परेशान हो तो एक बार जरूर हमें मौका दे के देखे, क्या पता आपका दमा जड़ से ख़त्म हो जाए। इन भाई अंत में जो दर्शक हैं इनको क्या आप अंत में संदेश देंगे, क्या अपील आप करेंगे? भाई पीलिया और टाइफाइड हो, इसका हमारा बिल्कुल अच्छा रिजल्ट है। तो भाई कहीं भी आदमी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एलर्जी हो, खाज खुजली हो, इसका हमारा अच्छा रिजल्ट है। तो भाई पथरी का भी हमने बयान दिया है, पथरी ना निकलने पे पैसे वापस होंगे। और गठियाबा का भी हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट है। और डिस प्रॉब्लम जो कहीं ठीक नहीं हो रही हो, चाहे 10 साल से हो 20 साल से हो, तो घुटनों का दर्द जो गैप हो जाता है, गैप का डॉक्टर घुटने बदलना बोल देते हैं, लेकिन हम 4 बार की दवाई में गैप को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। हमारा घुटनों का रिजल्ट थोड़ा धीरे मिलता है, लेकिन जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। किसी मरीज को निराश नहीं जाने दूंगा, हमारा 100% रिजल्ट रहेगा। तो भाई सभी भाइयों से कहता हूँ, भाई आयुर्वेद पर विश्वास करे और हमारी दवाई का एक बार जरूर प्रयोग करे। जो भी भाई हमारी दवाई का प्रयोग करेगा निराश नहीं जाएगा हमारे से बिल्कुल। सचिन भाई जो वीडियो ने शेयर करेगा उसके भी कुछ फायदा होगा? बिल्कुल भाई, जो फायदा होगा भाई, किसी जानकार का भला होगा, को भाई ठीक होगा, ठीक है। और भाई हमारे किसी भाई का कोई फर्क रह जाए, भाई डॉक्टर बढ़िया नहीं है देसी दवाइयाँ वाला, तो भाई हमारा अपना खुद का पेज है, उस पर जाकर हमारा लिंक चेक कर। क्या नाम थे आपका यूट्यूब चैनल? मेरा @VED वैद सपेज सचिन जी। और भाई ये हमारा निकलाएगा, इस पर हमारा जाके ये देखिए, बिल्कुल दिखा दो भाई जो यूट्यूब के ऊपर जो इनका जो चैनल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वैद सचिन के नाम से @VED स्पेस लगा के सचिन लिखोगे, हमारा चैनल आ जाएगा। ये रिजल्ट है सभी हमारे, जितने भी रिजल्ट हमने दिए इस पे अपने चैनल पे डालते हैं, हर गांव से लोगों को रिजल्ट आया, ये सभी रिजल्ट हमारे दिए हुए हैं। कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसका रिजल्ट हमने नहीं दिया होगा जी, ठीक है जी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे हर रिजल्ट आप लोगों को मिलेंगे। आप देखते रहना हम कौन सी बीमारी का कैसे इलाज करते हैं और क्या हिसाब किताब है हमारी दवाई का। चलो भाई फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा मैन के इंतजार के साथ मैं जबार दुआज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।